महाराष्ट्र के सोलापुर सब जोन में मिनी रिट्रीट सेंटर दिव्य दीप सरोवर का भूमि पूजन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके संतोष दीदी, सांसद श्री श्री 1008 डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, सोलापुर सब जोन प्रभारी बीके सोम प्रभा दीदी, वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके दशरथ, सहायक आयुक्त भगत मैडम, टाउन प्लानर लक्ष्मण चलवादी, पूर्व आमदार विनायक राव पाटिल समेत पूरे महाराष्ट्र की वरिष्ठ बीके बहनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। भूमि पूजन के बाद आयोजित भव्य कार्यक्रम में बीके संतोष दीदी समेत अतिथियों ने भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। भूमि पूजन के कार्यक्रम में बीके संतोष दीदी ने कहा कि ये परिसर बहुत ही शांत है और मुझे लगता है कि यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को शांति की अनुभूति होगी। साथ ही यहाँ जो योग तपस्या के कार्यक्रम होंगे उससे सोलापुर समेत पूरे विश्व में शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। वहीं सोलापुर सांसद ने कार्यक्रम में आश्वासन दिलाया कि जब तक परिसर का निर्माण होगा तब तक वो यहाँ आने वाले रास्ते को तैयार कराकर सुगम करा देंगे। ब्रह्मा कुमारी ट्रांसपोर्ट ट्रेवल विंग की ओर से छत्तीसगढ़ के जशपुर में सड़क सुरक्षा मोटरसाइकिल यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पावन धाम से शुरू होने के बाद कई स्थानों से होते हुए जशपुर नगर पहुंची। यात्रा की संयोजिका बीके चित्रा के मार्गदर्शन में सभी बीके सदस्यों ने यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यात्रा के दौरान हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज और जगह जगह पर लोगों को यातायात नियमों का पूरी तरह से पालन करने का संकल्प कराया। यूपी के आगरा में ब्रह्मा कुमारीज आर्ट गैलरी म्यूजियम और कल्याणकारी महिला समिति की ओर से आगरा क्लब में 47वीं हस्तकला प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी का शुभारंभ आकांक्षा समिति की अध्यक्ष प्रीति गुप्ता ने किया। तो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत मेले में बीके संगीता और बीके गीता ने लोगों को ईश्वरीय संदेश देते हुए आध्यात्मिक साहित्य भेंट किया। यूपी के मैनपुरी में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जेल में आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान की क्लास करने वाले कैदियों ने अपने अनुभव की लेनदेन की। चलिए सुनते हैं क्या कहा कैदियों ने। हर पल खुशी रहती है, यानी किसी भी माल में कोई भी हो, जैसे कोई समझे ये जेल है, मुझे तो जेल नहीं लगती, मुझे तो एकदम ऐसे नया जन्म मिल गया हो जैसे। शिव ही एक निराकार है, ओम शांति में मुझे ज्ञान यही मिला है। मैं कभी ज्ञान में बाहर की दुनिया में नहीं रहा, मैं बुरी संगत में पढ़ने के बाद मैं जेल में आ गया और मैं अपने कारणों से इस जेल में फंसा हूँ। सुबह अमृत वेला उठने की पलटे की आदत बन गई है और शांति पहले मैं गुस्सा भी जाता आती थी, हम लड़ाई झगड़ा बहुत कम करते। अभी तक मैं भ्रमित था कि गलत काम करेंगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन मैं सही काम की तरफ हूँ और परमपिता परमात्मा एक ही है, इसी तरफ बोलना सिखाया है। हम सबका जीवन का उद्देश्य यही है यहाँ पर आने का कि आप जब इस समाज में जाएं तो समाज के लिए नई ऊर्जा बन करके जाएं, छोटों के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाएं, बड़ों के लिए आप एक ऐसे दीपक बन जाएं। ऐसे ही नासिक के सेंट्रल जेल में ब्रह्मा कुमारीज नासिक सेवा केंद्र द्वारा तनाव मुक्ति, व्यसन मुक्ति और कर्मों की गुह्य गति विषय पर आध्यात्मिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें अहमदनगर से आई बीके डॉक्टर सुधा काकरिया ने कैदियों को कहानियों द्वारा कर्मों की गहन गति को समझाने का प्रयास किया। कार्यक्रम के दौरान नासिक सेवा केंद्र प्रभारी बीके वासंती दीदी, जेल अधीक्षक प्रमोद वाघ, वरिष्ठ जेल अधिकारी अशोक मालवाड़, बीके दिलीप और बीके गोदावरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे और कैदियों को संस्कार परिवर्तन करने के लिए प्रेरित किया। यूपी के सलेमपुर में जीवन को खुशनुमा बनाने के लिए सकारात्मक विचारों से तनाव मुक्ति विषय पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें एसडीएम गजेंद्र कुमार, थाना अधिकारी जयशंकर मिश्रा और मुख्य वक्ता के तौर पर माउंट आबू से आए बीके भगवान शामिल हुए। बीके भगवान ने कहा कि मन के नकारात्मक विचारों से ही तनाव उत्पन्न होता है। तनाव का मूल कारण है मन में चलने वाले निगेटिव विचार, मेरा क्या होगा,
मेरा कैसा होगा, इसलिए ऐसा क्यों बोला। जितना निगेटिव विचार चलेंगे तनाव पैदा होता है। वहीं बापू इंटर कॉलेज में भी बीके भगवान ने स्टूडेंट्स को नैतिक शिक्षा का महत्व बताया। इसके अलावा श्री रेनाथ महाविद्यालय में बीके भगवान ने कहा कि अपराध मुक्त समाज के लिए संस्कारों की शिक्षा जरूरी है। इसके अलावा विद्यार्थियों को राजयोग मेडिटेशन का अनुभव भी कराया। जम्मू एंड कश्मीर के सुंदरबनी क्षेत्र में CRPF के 50 जवानों को बीके राजीव ने तनाव प्रबंधन के लिए राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया। यह कार्यक्रम कमांडेंट श्रीराम मीणा के सहयोग से आयोजित रहा, जिसमें बीके सदस्यों ने ब्रह्मा कुमारी द्वारा चलाए जा रहे नशा मुक्ति जागरूकता अभियान की भी जानकारी दी। इस दौरान सुंदरबनी की प्रभारी बीके राजकुमारी ने सभी से राजयोग मेडिटेशन सीखने का आग्रह किया। सूरत के बालाजी रोड सेवा केंद्र पर राजयोग 3D अनुभूति सेंटर एवं आध्यात्मिक म्यूजियम का उद्घाटन ORC के डायरेक्टर बीके आशा दीदी, सूरत सब जोन संचालिका बीके रंजन दीदी, बीके फाल्गुनी ने कई विशेष अधिकारियों की उपस्थिति में किया। महाराष्ट्र के उमरेड में ब्रह्मा कुमारीज और भाऊ साहेब मूलक आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र ने संयुक्त तौर पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया। यह शिविर पावनधाम सेवा केंद्र पर आयोजित रहा, जिसमें मुख्य रूप से महाविद्यालय के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र इंगोले, डॉक्टर भाग्यश्री, सेवा केंद्र संचालिका बीके रेखा, मधुबन के बीके विठल उपस्थित रहे। मुख्यालय माउंट आबू से ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष बीके राजू भाई भुवनेश्वर के यूनिट 8 सेवा केंद्र पहुंचे और बीके सदस्यों को ज्ञान और योग में उन्नति करने के लिए महत्वपूर्ण क्लास कराई। इसके अलावा उन्होंने सभी सदस्यों के प्रश्नों के जवाब भी दिए। इस दौरान सब जोन इंचार्ज बीके लीना, सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी और बीके कल्पना मौजूद रहीं।